ले मेरा बच्चा, जूस पी ले। रिमोट से खेल रही है, टीवी ऑन करके देख ले। हमारे लेटेस्ट सेगमेंट हॉट सोशल में एंट्री मारी है एक बैचलर ने। इंडिया में अपने बिजनेस इन्वेस्टमेंट प्लान्स को लेकर ही नहीं बल्कि अपने लुक्स को लेकर भी आते ही इन्होंने थ्रो की एक एलीट पार्टी। वो ये रॉकी नहीं है। और मैं क्या ना नहीं है रॉकी। चलिए हम आपको बता ही देते हैं, इस लेटेस्ट हार्टबीट का नाम है शान रंधावा। नाइस नेम राइट? ये इसको शान क्यों बोल रही है? झूठ बोलना कब से शुरू कर दिया हैप्पी? वो भी मुझसे? हैप्पी तुझे पता था ना वो जेल से बाहर आ गया है और तूने ये बताना हमें जरूरी नहीं समझा। तू उससे मिलने गई थी ना उसकी पार्टी में, मुझसे झूठ बोल के कि तू किसी इन्वेस्टर की पार्टी में जा रही है, क्यों किया तूने ये? मम्मी मैं आपको सब कुछ बताने वाली थी पर सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मम्मी मम्मी मेरी बात सुनो, आप घर जाओ, मैं घर आके आपको सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? क्या एक्सप्लेन करेगी? जो रॉकी ने स्माइली के साथ किया उसे एक्सप्लेन कर सकती है तू? तूने एक बार भी स्माइली के बारे में नहीं सोचा? मम्मी चुप हो जा। आप प्लीज परेशान मत होइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं हूं ना यहाँ पर। हैप्पी आई थिंक आंटी नीड्स रेस्ट, तुम प्लीज रैंक घर लेकर जाओ। मिस्टर रंधावा, हैप्पी की मदर की तरफ से I'm sorry, she just lost control. वैसे आपके होटल का वेलकम करने का यही दस्तूर है? अटैक या मेरे साथ कुछ खास नवाजिश की जा रही है? इट्स ओके, हैप्पी जी की मम्मी की गलती नहीं है, उनकी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ। खैर अब आप आ गए हैं तो बिजनेस की बातें कीजिए। या श्योर, मैं एक केस में उलझ गया था। उलझ गए? आपको देख के लग रहा है कि बुरी तरह फंस गए थे।
काफी पेचीदा केस है। एक सलाह दूं मुफ्त में, आपको केस में कम मुझ पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका केस नहीं, मैं इन्वेस्ट करूंगा होटल में, अगर सब ठीक रहा तो। मैं इंतजार करता रहूं आप केस में उलझे रहें, यहां मुझ पे अटैक होते रहें, ये तो ज्यादती हो जाएगी। नहीं, ज्यादती नहीं होगी मिस्टर रंधावा, इंसाफ होगा। होटल के प्रपोजल्स के पेपर्स रेडी है, आप एक बार देख लीजिए। इसका मतलब मैं आपके शक के दायरे से बाहर निकल चुका हूं। आपको तसल्ली हो गई है कि मैं वो बदनाम रॉकी नहीं हूं और मेरे साथ बिजनेस डील की जा सकती है। पूरे दिन का वक्त लेके नहीं आया हूं। आप पेपर्स मेरे एजेंट के जरिए भिजवा दीजिए, मेरे वकील चेक कर लेंगे, सब ठीक रहा तो आपसे और हैप्पी जी से मुलाकात होगी शाम को। फेयर इनफ। मेरा पुत्र है ना, डोंट टच ह्यूमन। मर जानी, हटो, मुझे अपने अपने पुत्र से मिलने दो। रॉकी मेरी बात सुन, अपने बेटे से मिलने दो, मैंने कहा उसे मुझे। रॉकी खबरदार, इनको किसी ने हाथ भी लगाया तो पीछे हटो, पीछे हटो। आपको आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? दिखाओ। ये तरीका किसी औरत से पेश आने का? पागल हो गए हो तुम लोग? क्या कर रही थी वो? गोली मार रही थी मुझे। अगर इसको एक खरोच भी आ जाती ना, ये मेरी माँ। मौमसी बोल, एक बार बोलना मौमसी। ये मेरी माँ की उम्र की है, ऐसे पेश आएंगे हम इनसे? तो सारी दुनिया को धोखा दे सकता है रॉकी, लेकिन अपनी माँ के दिल को कैसे धोखा देगा? एक बार अपनी मौमसी को मौमसी कहकर पुकार, गले लगा दे, तेरी माँ बहुत तड़प रही है पुत्र, तुझे गले लगाने के लिए एक बार मेरे। मैं माँ जी बोल के मैं आपको किसी गलत फहमी की हवा में नहीं डालना चाहता। जो आप समझ रही है मैं वो नहीं। कैसे नहीं है तू? अपने माँ के दिल को धोखा कैसे देगा तू? देख, तेरी मौमसी बहुत सालों से तड़प रही है पुत्र, आ बोल दे और बोल दे। मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी कि तू रॉकी है, तू लेकिन अपनी माँ के गले लग जा एक बार मौमसी, बोल बोल ना रॉकी, सुन मेरी बात, मेरी एक बार अपनी माँ को। Move. मेरी बात Move. नहीं, मेरी बात रॉकी, देखी रॉकी, ये तो माँ है रॉकी की, ये धोखा नहीं खा सकती। इन्हें जरा सा धक्का लगा तो इससे भी बर्दाश्त नहीं हुआ।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।